हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विंग्स ऑफ गर्ल्स। मैं हूँ स्वाति। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले आलू की सब्जी और खस्ते, तो सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में, मिलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 4-5 आलू लिए हैं और ये 2 मैंने तेज पत्ता लिए हैं और ये मेरे छोले हैं जिन्हें मैंने उबाल लिया है और ये मेरी हरी मटर है जो कि फ्रोजन मटर आराम से मार्केट में मिल जाती है और ये मैंने 1 कटोरी पनीर लिया हुआ है और ये मैंने टमाटर की प्यूरी ली हुई है। इसमें मैंने हरी मिर्च और ऑनियन डाल के ग्राइंड कर लिया है। और मसालों में अब देखते हैं, तो मैंने मसाले में ये हींग जीरा लिया हुआ है और ये मसाला मैंने इसमें हल्दी, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड थोड़ा सा पनीर मसाला और थोड़ा सा छोले मसाला डालकर इस तरीके से पानी में भिगो के रख लिया है। तो ये मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। अब ये गरम होता है वैसे हम इसमें मसाले डालकर भूनेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम तेज पत्ता डालेंगे और इसको 1 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद मैंने ये हींग जीरा डाल दिया, इसको अच्छे से सौते करेंगे और साथ ही साथ ये जो हमने मसाले भिगो कर रखे थे ये डाल रहे हैं। और इनको अच्छे से भून लेंगे। इनको 2 मिनट तक हम भूंजेंगे। तो मसालों ने देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब ये भूंज गए हैं और कलर भी चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम थोड़ा सा धीमा कर देंगे वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्यूरी बनाई थी टोमेटो की। तो ये हम प्यूरी ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको भी अच्छे से भूंज लेंगे। इसकी प्यूरी को हमने थोड़ा मोटा मोटा पीसा है, तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ एक टमाटर के पीसेस भी दिख रहे होंगे, क्योंकि ये जो छोले वाली सब्जी होती है ना, जो खस्ते के साथ खाई जाती है, इसका एक अपना अलग ही टेस्ट होता है। तो इसमें थोड़ी मोटी मोटी प्यूरी अच्छी लगती है। तो प्यूरी हमारी अच्छे से पक चुकी है और अब टाइम आया है इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने का। तो अभी इसमें हम डाल रहे हैं छोले, 1 कटोरे छोले हैं। इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन टी, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये बिल्कुल जो हमारे स्ट्रीट वाला फूड होता है ना, छोले आलू की सब्जी और खस्ते, वही लाजवाब टेस्ट है इसका। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं जो हमने 4-5 आलू लिए थे उनको क्रश करके। तो अभी हम इसमें पोटैटो ऐड कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अभी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी
तो इसमें हम 2 गिलास लगभग 400 ग्राम के लगभग पानी डाल देंगे। तो ये 1 गिलास और ये दूसरा गिलास, तो इतना पानी हमें डाल के अब इसमें अच्छे से 2-3 उबाल आने तक पकाना है। चलिए जब, और अब इसमें हम नमक डाल देते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक डाल के अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम बॉईल होने देंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक ना हो जाए। तो 2-3 उबाल में आराम से थिक हो जाती है। ये हमारे छोले बन गए, अब हम इसमें पनीर डाल दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और अभी हम इसमें डाल दे रहे हैं ये आधा नींबू, आधे नींबू का रस है, इसको डालेंगे इसे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इसको डाल के मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कोरिएंडर की कुछ पत्तियां जो मैंने काट कर ली हुई हैं। तो छोले हमारे कम्प्लीटली रेडी हो गए हैं, गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है और अब हम डाल देते हैं ये ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। देख सकते हैं कि कितने अच्छे बने हैं, मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम मैदा लिया है और उसमें स्टफिंग के लिए मैंने ये उड़द की दाल 1 कटोरी जिसे मैंने भिगो कर रखा है पीसने के लिए। और ये मसाले में डालने के लिए मैंने हरा धनिया काट कर लिया है और ये मैंने 2-3 छोटी छोटी हरी मिर्च को काट कर ले लिया है। तो ये दाल पिस गई है और इसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा पीसा हुआ है। अभी मैं इसमें मिला रही हूँ मसाले, मैंने ये 1 चुटकी हींग डाली हुई है। ये मैं 1 चम्मच यहाँ पर सौंफ पाउडर डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच ड्राई कोरिएंडर पाउडर, आधा छोटी वाली चम्मच गरम मसाला, और ये 1 पीस रेड चिली पाउडर, और ये मैंने जो हरी मिर्च काट कर ली थी वो, और ये हरा धनिया एंड नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ और ये हमारा बढ़िया चटपटा सा मसाला तैयार है जो कि खस्ते में हम फील करेंगे। ये हो गया मसाला रेडी। अब हम अपना मैदा लगा लेते हैं। मैदे में हम ये 1 कप ऑयल डाल रहे हैं, रिफाइंड ऑयल या कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल ले लीजिए आप। 1 चुटकी यहाँ पर हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं या खाने वाला सोडा जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ये मैंने इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसको हम गूंथेंगे बढ़िया सा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट, इसका हम मीडियम आटा गूंथेंगे। तो ये हमारी मैदा गूंथकर तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं खस्ते बनाने के लिए। बनाने के लिए मैदे को हम अच्छे से इस तरीके से रगड़ रगड़ के सॉफ्ट कर लेंगे और अब हम इसके पेड़े जैसे काट ले रहे हैं सेम साइज के। हम भरना शुरू करते हैं इस तरीके से, आधी आधी चम्मच हम ये जो मसाला हमने बनाया है इसको लेते जाएंगे और भरते जाएंगे, सबको इसी तरीके से फिल कर लेंगे। अब हम इस सारे पेड़े बनाने के बाद हम इसको बेलन से बेल ले रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत आपकी इधर उधर दाल निकल रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब पक जाएगी। इसी तरीके से हम सारे बेल लेंगे
अब डालने से पहले मैंने गैस के फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दिया था और हम इसमें डालते जाएंगे एक एक करके। बहुत ही हाथ संभाल कर डालिए क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है। कभी भी इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर मत सेकें वरना आपके खस्ते अच्छे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो अभी ये मैंने सिकने के लिए डाल दिए हैं, अब ये सिक रहे हैं। देख सकते हैं कि कितने अच्छे से सिक रहे हैं। हमारे फूले फूले खस्ते बनकर तैयार हो गए हैं, अब हम इनको डिश आउट करेंगे। तो ये हमारे खस्ते बिल्कुल बढ़िया गर्मा गर्म तैयार हैं और अब मैं जा रही हूँ खाने क्योंकि मैं अब और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये हमारी सब्जी है, ये बहुत टेस्टी बनी है। तो आप भी जल्दी जल्दी जाइए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। और मुझे बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।